और मनीष ये जरा दूसरा इसका पहलू जिसको ये बड़ा आजकल नाच कूद रहा है, बड़ा उछल रहा है, ये अग्निवीर के लिए बड़ी इसकी छाती फटी जा रही है। इसने सरासर सफेद झूठ बोला, संसद के अंदर झूठ बोला, चुनाव के दौरान झूठ बोला, और आज भी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। लेकिन इसकी देश की सेना और शहीद जवानों के प्रति इसकी संवेदनाएं क्या है, जरा मनीष जी वो दो खबरें हैं, दर्शक इसको देख ले, एक एक करके दिखाइए जरा, पहले हिंदी वाली दिखाइए। ये इंडी गठबंधन का जो मुख्यमंत्री था अच्युतानंदन, दर्शकों को याद आ जाएगा कि ये जो शहीद संदीप उन्नी कृष्णन थे उनके घर ये गया था, और उनके पिताजी को जरा पूरी खबर पढ़ देता हूँ, दर्शकों को याद आ जाएगा कि ये कैसा इनका शहीदों के प्रति और देश की सेना के प्रति इनका क्या सम्मान है, कि इनके मन में क्या भावनाएं हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि आज ये नौटंकी कर रहे हैं देश देश को बरगलाने के लिए, लेकिन इनके मन में कुछ और है मनीष जी, ये कुछ सच नहीं बताते हमको आपको कि ये जो केरल का मुख्यमंत्री था अच्युतानंदन, और ये उनके घर गया तो मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने शहीद मेजर संदीप उन्नी कृष्णन के पिता के बारे में कहा कि अगर संदीप शहीद नहीं हुआ होता तो उनके घर कुत्ता भी झांक लेने जाता। ये श्रद्धांजलि दिया गया था केरल का मुख्यमंत्री एक शहीद के घर, जो वास्तव में शहीद, और मुख्यमंत्री के इस बयान की पूरे देश में निंदा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने बयान के लिए माफी मांगने तक से इनकार कर दिया है। ये इंडी गठबंधन, ये कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री था, और जरा इसमें मनीष जी जो सबसे खास बात है कि वो संदीप उन्नी कृष्णन अपने पिता अपने माता पिता की अकेली संतान थे, और इसमें जो है कि आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे संदीप उन्नी कृष्णन, उनके पिता श्री के उन्नी कृष्णन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, यानी इसरो में इसरो के वैज्ञानिक थे उनके पिता, और उनके लिए कह रहा था उन्नी अच्युतानंदन कि अगर ये शहीद ना होता तो उसके घर कुत्ता भी नहीं जाता, यानी ये सम्मान इनका शहीदों के प्रति इस देश की सेना के प्रति है। और ये भी बता दूं मनीष जी कि ये झगड़ा हुआ क्यों था, ये झगड़ा इसलिए हुआ था कि ये अच्युतानंदन दो तीन दिन तक उनके घर ही नहीं गया, उससे पहले कोई साथ समझौता कर्नाटक या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनके घर जाके श्रद्धांजलि दे आए थे, और इसको फुर्सत नहीं मिली, जो अखबारों में झूठे पढ़ने लगे तब ये गया मिलने के लिए, तो उनके पिता ने मिलने से मना कर दिया कि मुझको कोई ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं मिलूंगा, तब इसने कहा था कि तुम्हारे घर कुत्ता भी नहीं आता। तो ये इनके कांग्रेसियों के और कम्युनिस्टों के मन में सेना और शहीदों के प्रति ये भाव है। और जरा दूसरी खबर दिखा दीजिए जो राहुल गांधी को ही पूरी तरह बेनकाब करती है, जो आज अग्निवीरों के लिए छाती फाट पीटते घूम रहा है, ये क्या खेल है। राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस, यानी 26/11 को ये हमला हुआ था, 26 को चला, 27 को चला, 28 को जाकर वो हमला खत्म हुआ, और 29 तारीख को मनीष जी ये दिल्ली की एक शादी ब्याह की पार्टी में पूरी रात नाचा खाया पिया नाचा था ये। मैं अंग्रेजी में जरा मैं पढ़ दे रहा हूँ तो लोगों को याद आ जाएगी, और ये इंडिया टुडे खबर है, और ये December 1, 2008 ये छपने की खबर है कि इवन बिफोर द टीयर्स ऑफ मेजर संदीप उन्नी कृष्णन्स मदर कुड ड्राई अप कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड हेयर अपेरेंट राहुल गांधी वेंट पार्टीइंग विद हिज पाल्स एट ए फार्म हाउस ऑन दिल्ली आउटस्कर्ट्स द प्रिंस, जरा ये आगे सुनिए, ये द प्रिंस पार्टीड हार्ड टिल 5 इन द मॉर्निंग, यानी रात भर सवेरे 5 बजे तक नाचा कूदा ये इन द मॉर्निंग On Sunday at the Sangeet for the forthcoming wedding of Sameer Sharma, his childhood friend. They were at a sprawling farmhouse at Radhe Mohan Chowk, the heaven of people who lead charmed lives beyond Chhatarpur. Saturday night Sangeet was a lavish affair. Jara aage is party ka varnan suniye. The Saturday night Sangeet was a lavish affair. It was hosted by Leena Musafir, sister of the woman with whom Sameer is getting married, and her husband Inder. The party was attended by over 800 guests, including regulars at page 3 dues. When everyone is cancelling party, जरा ये मनीष जी ये इंडिया टुडे 2008 में लिख रहा है, when everyone is cancelling parties or just keeping them low key, Rahul Gandhi had no business to be celebrating. His action makes us lose faith in future leaders, said Ajay Bahl, a leading corporate lawyer who was trapped in the thick of the action on 26/11 at the Oberoi.
मुंबई, बट मैंने स्वेच के विद द हेल्प ऑफ होटल स्टाफ, ये मनीष जी वहां जो बंधक हो गए थे उनमें से एक आदमी को कारपोरेट लायर थे अजय बहल, उन्होंने कहा कि शर्म आती है कि लोगों को इस तरह के जश्न मनाते देख के, और कम से कम ये तो नेता है तो इसको तो कम इस तरह का हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और दर्शक जरा इस बात को समझे मनीष जी की, ये 28 तारीख को हमला खत्म हुआ, संदीप उन्नी कृष्णन या जो 30-35 वहां पे जवान हमारे शहीद हुए थे, मुंबई पुलिस और भारतीय सेना के या कमांडो, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, उनकी चिता जली नहीं थी, ये होता ना चिता की राख ठंडी नहीं हुई, चिता जली नहीं थी, उनके उनके शव उनके घरों में भेजे जा रहे थे। और तब ये राहुल गांधी पूरी रात नाचा खाया पिया, अब रात में रात की पार्टी में जब सवेरे 5 बजे तक आदमी नाचता है तो वो क्या खाता है क्या पीता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 165 मौतों का, उन आतंकवादियों के हमले का जश्न ये पार्टी करके मना रहा था, और आज ये अग्निवीर के नाम पर ढोंग करते घूम रहा, पाखंड करते घूम रहा है। और ये भी बता दो कि 2008 का जब ये हमला हुआ है तब ये कोई लौंडा नहीं था कि ये 16-17 बरस का लौंडा था, ये 37 बरस का अधेड़ हो चुका था, ये इस देश की संसद का सदस्य था, सांसद था ये, और कांग्रेसी इसको प्रधानमंत्री बनाए दे रहे थे 2009 में। 37 बरस के राहुल गांधी को इतनी अकल नहीं थी कि इस देश के 30-35 जवान शहीद हो गए हैं, 165 लोगों की मौत हुई है दिल्ली के मुंबई हमले में, और आतंकवादी पाकिस्तानियों ने हमला किया है इस देश पर, और ये 28 तारीख को वो हमला खत्म होता है, 29 तारीख की रात में नाच रहा है पूरी पूरी रात। तो ये आज जब ये अग्निवीर पर निकला है इस तरह का नौटंकी करने, पाखंड करने, तो निश्चित तौर पर ये कोई साजिश के तहत निकला है, क्योंकि अगर इसके अंदर संवेदनाएं होती तो 37 वर्ष की उम्र में भी होगी, 37 वर्ष में ये काका काका नहीं पड़ रहा था, ये नेतागिरी कर रहा था, देश का देश की संसद का सदस्य था। तो ये जो दिल्ली की खबर है, मुंबई हमले तत्काल बात की, ये बताता है कि आज ये अग्निवीर के नाम इसके झूठ, दर्जनों झूठ पकड़ गए, किस तरह से लगातार बेशर्मी से झूठ बोल रहा है, और उसके बाद ये कहां ये दिल्ली की इसकी इसकी ये बैकग्राउंड ये बताती है कि झूठ बोलकर किस तरह से देश को परगला रहा है और देश की सेना के साथ विश्वासघात कर रहा है मनीष जी।